हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एक्सेल में मुकुल में ही। मेरा नाम है दोस्तों मुकुल जैन। दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने कुछ डेटा दिया गया हुआ है इस टेबल में। चलिए डेटा देख लेते हैं एक बार है क्या। सबसे पहले है ऑर्डर आईडी। जब भी दोस्तों हम लोग कुछ भी बेचते हैं तो एक ऑर्डर आईडी जनरेट होती है और वो ऑर्डर आईडी हमारी यूनिक होती है। उससे क्या पता चलता है हमें कि हमारे कितने ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं। जैसे अभी मान लीजिए हमें देखना है कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे जाऊँगा तो मुझे दिख जाएगा कि 313 ट्रांजेक्शन अभी हमारी हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया हुआ है प्रोडक्ट नेम और वो प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आता है वो यहाँ पे दिया गया हुआ है। बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरी है, एक है फ्रूट की और दूसरी है वेजिटेबल्स की। कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में और उसकी कैटेगरी यहाँ पे दी गई हुई है। उस आईडी के अगेंस्ट में हमने कितने का प्रोडक्ट वो बेचा हुआ है वो यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है दोस्तों, और किस डेट में बेचा है वो है, वो वाली डेट दी गई हुई है और कौन सी कंट्री में बेचा हुआ है ये है दोस्तों। अब हमें करना क्या है इसमें कि हमें यहाँ पर मंथ वाइज सेल हमें पता करनी है। तो दोस्तों मंथ वाइज सेल निकालने के यहाँ पे दो मेथड है। वन बाय वन मैं आपसे मेथड डिस्कस करूँगा। सबसे पहला मेथड है आप फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो और सेकंड मेथड ये है आप इसको पाइवट टेबल के थ्रू कर सकते हो। पाइवट टेबल के थ्रू आपको थोड़ा सा समय लगेगा और अगेंस्ट जो आप फॉर्मूले से करोगे उससे बहुत कम समय लगेगा पाइवट टेबल में। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन इसको देखते हैं कैसे करना है। दोस्तों अब हमने करना क्या है, यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है ए के बाद। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हेडर्स हैं ए बी सी डी ई एफ, आप एफ पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे प्रेस करोगे दोस्तों कंट्रोल प्लस, तो आपका ये जो है वो इंसर्ट हो जाएगा एक नया कॉलम और यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देंगे दोस्तों मंथ, इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये जो डेट लिखी है उसमें फिर यहाँ पे मंथ नेम लेके आना है दोस्तों, कौन सा ये मंथ है। तो उसको लाने के लिए हम लोग यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल का साइन, फिर लिखेंगे टेक्स्ट, ब्रैकेट ऑन कर देंगे, वैल्यू में वो रेफरेंस ले लेंगे जो हमारा डेट दी गई हुई है, मतलब ई टू भी सिलेक्ट कर सकते थे या फिर आप सीधे यहाँ पर ये डेट सिलेक्ट कर दोगे तो वही चीज़ आ जाएगा यहाँ पर ई टू। फॉर्मेट टेक्स्ट में दोस्तों हमें देना है डबल कॉमा में MMM, ट्रिपल एम देना है, डबल कॉमा ऑफ करना है, उसके बाद ब्रैकेट्स ऑफ करने हैं, उसके बाद एंटर कर देना है तो आपका यहाँ पे ये जून का मंथ आ गया है। उसके बाद जब ऐसी जैसे ही आप यहाँ पे कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दोगे वैसे आप देखोगे कि मंथ नेम शो हो गए हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऑर्डर आईडी पे जाना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, फिर उसके बाद फॉर्मूले पे जाना है दोस्तों, फॉर्मूले वाले टैब पे। यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे टॉप डेट्स नेम्स फ्रॉम वैल्यूज इन द में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। आप क्या करोगे, राइट कॉलम को हटा दोगे, टॉप रो को केवल रहने दोगे और ओके कर दोगे। दोस्तों हमने किया क्या, हर कॉलम का हमने यहाँ पर नेम डिफाइन कर दिया है। तो नेम आप कैसे देखोगे, जैसे ही आप किसी कॉलम में कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करोगे रिकॉर्ड में जाने के बाद उसके, तो आपको उस कॉलम का नेम आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखेगा। ये देखिए दोस्तों मंथ दिख रहा होगा आपको, इसी तरीके से डेट दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस किया और यहाँ पर उसका नेम आ गया, देखिए दोस्तों कॉलम का। तो इस तरीके से ये हमने नेम डिफाइन कर लिए हर कॉलम के। इससे होगा क्या दोस्तों, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। अब मुझे यहाँ पे जनवरी फरवरी दिसंबर तक लिखना है तो उसके लिए तरीका है, यहाँ पे लिखा मैंने जैन और यहाँ पे फिर कॉलर पे जाके मैंने इसको ड्रैग आउट ड्रैग कर दिया। जो मैंने सीरीज में बताया था मैंने वही किया है, सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर बना देंगे। बॉर्डर कैसे बनाते हैं, होम के अंडर में आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मंथ और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अमाउंट। इसको बोल्ड करना है दोस्तों, बोल्ड कर देंगे कंट्रोल बी से सिलेक्ट करके। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक फॉर्मूला छोटा सा,
तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा दोस्तों, सम इफ का लगेगा, तो लगाते हैं एक बार, इक्वल का साइन सम इफ ब्रेक्स, रेंज देनी है दोस्तों हमें, रेंज कौन सी देनी है जिसमें वो क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें जेन फैब सब दिए गए हुए हैं वाली रेंज हमें देनी है। तो रेंज कौन सी है हमारी, मंथ की। तो हमने रेंज का नेम डिफाइन कर रखा था पहले से ही, एम ओ एन टी एच मंथ, ये जो देखिए नीचे आ गया है मंथ। मंथ दो टाइप के आ रहे हैं, एक में एफ एक्स लिखा हुआ है, एक में टेबल बन के आ रही है दोस्तों। तो ये टेबल वाला मंथ हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, एफ एक्स वाला मंथ मंथ सेलेक्ट कीजिएगा, ये वाला आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये देखिए पूरा कॉलम आपका यहाँ पे, पूरी रेंज जो है आपकी वो सिलेक्ट हो चुकी है। क्राइटेरिया में क्या देंगे हम लोग, ये जो लिखा हुआ है जेन ये दे देंगे। सम रेंज में हमें क्या देना है, अमाउंट का कॉलम देना है दोस्तों, तो सीधे हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, तो अपने आप वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे और फिर यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये आ गई हमारी मंथ वाइज सेल। अब हम चलते हैं पीवट के थ्रू, पीवट से हम लोग कैसे निकालते हैं, पाइवट टेबल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, इस टेबल को पूरी सिलेक्ट कर लोगे कंट्रोल ए से। अब क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगा पीवट टेबल, क्लिक कर दोगे आप पीवट टेबल में, क्रिएट पीवट टेबल, आपके पास ये पॉपअप बॉक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, नई वर्कबुक में बनाना है, न्यू वर्कशीट, सॉरी न्यू वर्कशीट में बनाना है, यहाँ पे न्यू वर्कशीट आ रहा है, और यहाँ पे आपको सिंपल कर देना है ओके। तो ये दोस्तों सिंपल सा हमारे सामने एक लेआउट आ गया पीवट टेबल का। दो तरीके हैं यहाँ पे आपके पास बनाने के, मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या आखिर। तो यहाँ पे दिया गया हुआ है पीवट टेबल फील्ड, यहाँ पे दिए गए हुए हैं फील्ड के ऑप्शन चार, और देखते हैं ये एरिया दिए गए हुए हैं, इन सबकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। और अब आपको करना क्या है दोस्तों, ये सब मैं आपको पीवट टेबल, जब आपको एक अलग सा टॉपिक होगा पीवट टेबल उसमें बताऊंगा, लेकिन आप ये आपका टॉपिक है कि मंथ वाइज सेल कैसे निकालनी है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों दो हमें चीज़ें दी गई हैं, डेट और मंथ, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो दोनों से आप निकाल सकते हो जो भी आपकी सेल है। तो हमने क्या किया, डेट को यहाँ पे रख दिया रोज़ में, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से इसको उठाया लेफ्ट क्लिक से, ये देखिए डेट उठ चुका है, और यहाँ पे हमने रोज़ में जाके यहाँ पे रख दिया। ये देखिए दोस्तों सिंपल आपका जनवरी फरवरी सीधे आ गया, हमने यहाँ मंथली रखा है, यहाँ पे हमने डेट रखा है दोस्तों, ये वाला कॉलम उठा के रखा है ये वाला। और पीवट ने अपने आप क्या किया, इसको जेन फैब में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया, आपको फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे सब कुछ सीधे कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट का आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, ये फील्ड दिख रही है अमाउंट की, अमाउंट को उठाएंगे हम लोग और यहाँ पे वैल्यूज़ में जाके रख देंगे। तो देखिए दोस्तों वही चीज़ आ गई जो आपने यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू की थी, ड्रैग एंड ड्रॉप पे पूरा ऑप्शन परफॉर्म हो रहा है। अब आपको करना क्या है, दूसरा तरीका क्या है, इसको हटा देते हैं हम लोग पहले, और यहाँ पे मंथ हम लोग ने निकाला हुआ था फंक्शन के थ्रू, तो आप लोग यहाँ पे मंथ भी लिख सकते थे केवल, तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती। तो दोस्तों ये वीडियो थी, इस वीडियो में मैंने आपको दोनों मेथड बताए थे कि कैसे आप लोग मंथ वाइज सेल निकाल सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन सीखना है एक्सेल में कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सीखना है, कौन सा आप ऑप्शन सीखना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो एक्सेल में। और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।